नमस्कार साथियों आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट सिक्स है आज का हमारा थॉट है समय हर समय को बदल देता है बस समय को थोड़ा समय चाहिए समय हर समय को बदल देता है बस समय को थोड़ा समय चाहिए इसी थॉट के साथ फर्स्ट एमसीक्यू सी है हमारा बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लीवर नीचे दिए गए में से कौन सा लीवर का काम नहीं है ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ बाइल ऑप्शन बी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑप्शन सी स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज और ऑप्शन डी स्टोरेज ऑफ बाइल देखिए जो लीवर होता है वह बाइल का प्रोडक्शन करता है और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग ये भी लीवर का काम है और स्टोरेज ऑफ़ ग्लूकोज जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है तो ये भी काम इसका है स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज तो ग्लूकोज का भी स्टोरेज करता है और स्टोरेज ऑफ़ बाइल ये लीवर का काम नहीं है क्योंकि बाइल का स्टोरेज गार ब्लैडर में होता है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्योंकि यह लीवर का काम नहीं है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लीवर नीचे दिए गए में से कौन सा एक है जो लीवर का काम है ऑप्शन ए एलिमिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन बी सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ऑप्शन सी सीक्रेशन ऑफ कोलिसटोकाइनिन और ऑप्शन डी कंसनट्रेशन ऑफ बाइल देखिए एलिमिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये लीवर का काम नहीं है और सी सीक्रेशन ऑफ कोलिसोकानन कोलिसटोकानन का सीक्रेशन ड्यूटोन में होता है और कंसनट्रेशन ऑफ बाइल ये भी लीवर का काम नहीं है सिंथेसिस ऑफ प्लाजमा प्रोटीन ये लीवर का काम होता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन यह लीवर का काम होता है इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट है कोलेस्ट्रोल इज इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन बॉडी फोर ह्यूमन बॉडी में कोलेस्ट्रोल किस लिए जरूरी होता है ऑप्शन ए एंजाइम सिंथेसिस ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑप्शन सी एंजियोजेनेसिस ऑप्शन डी ऑस्टियोजेनेसिस देखिए ऑस्टियोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ बोन और एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल और जो कोलेस्ट्रोल होता है यह ह्यूमन बॉडी में जरूरी होता है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के लिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है यह लिपिड बाईलेयर का बना हुआ होता है इसलिए कोलेस्ट्रोल ह्यूमन बॉडी में सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के लिए जरूरी होता है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन ग्लूकोज में होने को क्या कहते हैं ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस ऑप्शन बी प्रोटियोलाइसिस ऑप्शन सी ग्लाइकोजीनोलाइसिस और ऑप्शन डी प्रोटियोजियोलाइसिस देखिए ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और प्रोटियोलाइटिस का प्रोटियोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन तो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को जो ग्लूकोज में बदलता है उसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर और जो प्रोटीजियोलाइसिस होता है इसका कोई मतलब नहीं होता है तो इसमें ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ ग्लूकोज फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल लेवल द ब्लड ग्लूकोज बिगेन टू फेल एज जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बिगेन टू फेल यानी गिरना स्टार्ट हो जाता है तब ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए क्या सोर्स होता है ऑप्शन ए लिवर ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी इंटेस्टाइनल फ्लोरा और ऑप्शन सी इंगेस्टेड फूड और ऑप्शन डी ग्लूकोनियोजेनेसिस देखिए ग्लूको नियोजेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जिससे जैसे प्रोटीन से ग्लूकोज का बनाना ग्लूकोज नियोजेनेसिस कहलाता है इंगेस्टेड फूड से क्या होता है इससे हमें एक बार में ग्लूकोज मिल जाता है और जब ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो उसको स्टोर कर लिया जाता है इंटेस्टाइनल फ्लोरा का क्या काम होता है जैसे नॉर्मली हमारी इंटेस्टाइन में बहुत से बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो पाचन में हेल्प करते हैं और लीवर ग्लाइकोजन होता है यह जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन होता है तो उसमें मेंटेन करने के लिए लीवर ग्लाइकोजन का यूज होता है तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर जो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए जो सोर्स होता है वह होता है लिवर ग्लाइकोजन ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल साल्ट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जो बाइल साल्ट होता है वह किस से प्रोड्यूस होता है ऑप्शन ए ग्लाइकोजन ऑप्शन बी अमीनो एसिड ऑप्शन सी कोलेस्ट्रोल और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज देखिए ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है और अमीनो एसिड से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और बाइल साइल्ट जो है यह कोलेस्ट्रोल से प्रोड्यूस होता है तो ऑप्शन सी द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रोल नीचे दिए गए में से कौन सा ऑर्गन है जो फैट को तोड़कर कोलेस्ट्रोल बनाता है ऑप्शन ए इंटेस्टाइन ऑप्शन बी लीवर ऑप्शन सी लंग्स ऑप्शन डी किडनी देखिए जो फैट का ब्रेकडाउन करके कोलेस्ट्रोल बनाता है वह होता है लीवर जो लीवर होता है वह फैट को ब्रेकडाउन करके कोलेस्ट्रोल बनाता है तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल साल्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ जो बाइल साल्ट होता है वह किसके डाइजेशन के लिए इम्पोटेंट होता है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन बी फैट ऑप्शन सी आयरन ऑप्शन डी प्रोटीन देखिए जो बाइल साल्ट होता है यह फैट का इमल्सिफिकेशन करने के लिए ज़रूरी होता है और यह फैट के डाइजेशन के लिए भी जरूरी होता है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर जो बाइल साल्ट होता है यह है फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए जरूरी होता है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है ऑप्शन इज़ द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट है इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर्स जो लिपिड के इमल्सिफिकेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या ज़रूरी होता है ऑप्शन ए पेनक्रियाटिक लाइपेज ऑप्शन बी पेप्सिन ऑप्शन सी बाइल साल्ट्स और ऑप्शन डी गैस्ट्रिक लाइपेज देखिए जो लाइपेज होता है यह गैस्ट्रिक लाइपेज हो या पेनक्रियाटिक लाइपेज हो यह फैट का डाइजेशन करना करता है और जो पैप्सिन होता है यह प्रोटीन का डाइजेशन करता है और जो फैट इमल्सिफिकेशन के लिए जरूरी होता है वह होता है बाइल साल्ट ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट है इन विच ऑर्गन्स द कुफर सेल्स प्रेजेंट। किस ऑर्गन में कुफर सेल्स प्रेजेंट होती हैं ऑप्शन ए ब्रेन ऑप्शन बी हार्ट ऑप्शन सी लीवर और ऑप्शन डी पेनक्रियाज देखिए जो कुफर सेल्स होती हैं यह है, लीवर में पाई जाती हैं ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर और जो कुफर सेल्स होती हैं इनको फिक्स्ड माइक्रोफेज कहा जाता है और इनका काम होता है जो पोर्टल वेन के द्वारा जो लीवर में बैक्टीरिया एंटर करता है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कुफर सेल्स का होता है तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर जो कुफर सेल्स होती हैं है, वह लीवर में प्रेजेंट होती हैं ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट है गाल ब्लेडर एक्ट एज ए स्टोर हाउस फोर जो गाल ब्लेडर होता है वह किसके लिए स्टोर हाउस का काम करता है ऑप्शन ए बाइल ऑप्शन बी एंजाइम ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन डी सिलेवरी जूस देखिए जो गाल ब्लेडर होता है यह स्टोर करता है बाइल को ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और जो बाइल का प्रोडक्शन होता है वह लीवर में होता है और स्टोरेज जो होता है बाइल का वह गाल ब्लेडर में होता है इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट है इन द लिवर बैक्टीरिया दैट फाउंड इन टू पोर्टल सर्कुलेशन इज डिस्ट्रॉयड बाय लीवर में जो बैक्टीरिया पाया जाता है पोर्टल सर्कुलेशन में वह किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है ऑप्शन ए ल्यूकोसाइटोसिस ऑप्शन बी सिलिया और ऑप्शन सी कुफर सेल्स और ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है यह स्टमक में पाया जाता है जो स्टमक में बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है और जो ल्यूकोसाइटोसिस होता है यह डब्ल्यू का नॉर्मल से अधिक होने को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं और जो सिलिया होते हैं यह हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो सतह पर पाए जाते हैं और जो कुफर सेल्स होती हैं यह लीवर में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती हैं ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर जो कुफर सेल्स होती हैं यह पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा जो बैक्टीरिया एंट्री करता है लीवर में उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं इसलिए इनको फिक्स्ड माइक्रोफेज भी कहा जाता है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट है ए लार्जेस्ट ऑर्गन इन द एब्डोमिनल कैविटी दैट फिल्टर्स ब्लड एज एब्डोमिनल कैविटी का कौन सा लार्जेस्ट ऑर्गन है जो ब्लड फिल्टर करने का काम करता है ऑप्शन ए लिम्फ नोड्स ऑप्शन बी स्प्लिन ऑप्शन सी थाइमस ग्लैंड और ऑप्शन डी पैलाटाइन टॉन्सिल देखिए जो पैलाटाइन टॉन्सिल होते हैं यह ओरोफेरेंस है में लेटरली पाए जाते हैं और जो थाइमस ग्लैंड होती है यह है चेस्ट कैविटी में स्टर्नम के पीछे पाई जाती है जो टी सेल्स का मेचूरेशन करती है और जो लिम्फ नोड होते हैं यह है स्मॉल किडनी की शेप में हजारों की संख्या में पाए जाते हैं जो लिम्फ को फिल्टर करते हैं और जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ब्लड फिल्टर करने वाला एबडोमनल कैविटी में वह स्प्लिन होती है जो अपर लेफ्ट एब्डोमिनल क्वाड्रेंट में होती है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट है डार्क एंड टेरी कलर स्टूल इज टर्म्ड एज डार्क और टेरी कलर के स्टूल को किस टर्म से जानते हैं ऑप्शन ए एपिक्सटेसिस ऑप्शन बी हिमोप्टेसिस ऑप्शन सी मलिना और ऑप्शन डी हिमेटमेसिस देखिए जो हिमेटमेसिस होता है यह बोमिटिंग में ब्लड को कहते हैं बोमिटिंग में ब्लड को कहते हैं और जो एपिस्टेटिस होता है यह नोज से ब्लीडिंग को कहते हैं और जो हिमेप्टेसिस होता है यह कफ में ब्लीडिंग को कहते हैं और जो डार्क और टेरी कलर का स्टूल होता है वह मलिना की कंडीशन में देखने को मिलता है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मलिना में क्या होता है कि गेस्टो इंटेस्टाइनल वाला जो होता है उसमें ब्लीडिंग होती है कहीं पर भी तो जो स्टूल का कलर होता है वह डार्क और टेरी हो जाता है तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट है द टर्म एनोरेक्सिया इज नोन एज जो एनोरेक्सिया की टर्म होती है वह किसे कहते हैं ऑप्शन ए लॉस ऑफ हेयर ऑप्शन बी लॉस ऑफ स्लीप ऑप्शन सी लॉस ऑफ अपेटाइट और ऑप्शन डी लॉस ऑफ स्पीच देखिए जो लॉस ऑफ स्पीच होता है इसको अपेसिया कहते हैं और जो लॉस ऑफ हेयर होता है इसको एलोपेसिया कहते हैं और जो लॉस ऑफ स्लीप होता है इसको इंसोमिया कहते हैं और जो टर्म होती है अनोरक्सिया वह लॉस ऑफ अपेटाइट को कहते हैं तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जो टर्म अनोरोक्सिया होती है उसे लॉस ऑफ अपेटाइट से जानते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है वोमिटिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड ब्लड की वोमिटिंग होने को क्या कहते हैं ऑप्शन ए हिमोप्टेसिस ऑप्शन बी हिमोथोरेक्स ऑप्शन सी हिमेटमेसिस और ऑप्शन डी एपिस्टेसिस देखिए जो एपिस्टेसिस होता है यह है नोज से ब्लीडिंग को कहते हैं और जो हिमेटमेसिस होता है यह वोमिटिंग में ब्लड आने को कहते हैं और जो हिमोथोरेक्स होता है यह है प्लूरल कैविटी में ब्लड होने की कंडीशन को हिमोथेक्स कहते हैं और जो हिमोप्टसिस होता है यह है कफ में ब्लड आने की कंडीशन को कहते हैं तो इसमें वोमिटिंग ऑफ ब्लड पूछा गया है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ब्लड में वोमिटिंग में ब्लड होने की कंडीशन को हिमोप्टिस कहते हैं तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट है अपिटाइट इज डिक्रीज बाई फॉलोइंग एक्सेप्ट जो अपेटाइट होती है वह डिक्रीज हो जाती है नीचे दिए गए सभी में केवल एक को छोड़कर ऑप्शन ए हरी बरी एंड फियर ऑप्शन बी इरेगुलर मील्स ऑप्शन सी लॉन्ग स्पेसिंग ऑफ मील टाइमिंग और ऑप्शन डी रेगुलर इन ईटिंग देखिए जो हरी बरी एंड फियर यानी जल्दबाजी चिंता और डर में भूख कम हो जाती है डिक्रीज हो जाती है एपेटाइट और रेगुलर मील्स में जब कभी खा लिया कभी खा लिया तो उसमें क्या होता है इसमें में भी जो एपेटाइट होती है वह डिक्रीज हो जाती है और जो खाने की जो टाइमिंग होती है उसमें लंबे समय तक स्पेस होगा तो उसमें भी एपेटाइट जो है वह डिक्रीज हो जाती है लेकिन जो ऑप्शन डी है रेगुलरिटी इन ईटिंग अगर रेगुलरिटी होगी खाने के लिए खाने के टाइम में रेगुलरिटी होगी तो क्या होगा एपेटाइट डिक्रीज नहीं होगी इनक्रीज होगी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्योंकि ऑप्शन ए बी और सी इनमें जो अपेटाइट है वह डिक्रीज होती है और ऑप्शन डी जो है इसमें अपेटाइट इंक्रीज होती है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट है आल द फॉलोइंग एंजाइम आर सीक्रेटेड बाई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम एक्सेप्ट नीचे दिए गए सभी अंजाम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल सिस्टम से सीक्रेट होते हैं केवल एक को छोड़कर ऑप्शन ए पेप्सिन ऑप्शन बी चाइमोट्रेप्सिन ऑप्शन सी एंजियोटेंशन और ऑप्शन डी टाइलिन देखिए जो टाइलिन होता है यह सिलाइबा में पाया जाता है और जो पेप्सिन होता है यह स्टमक की चीप सेल में पाया जाता है और जो चाइमोट्रेप्सिन होता है यह पेनक्रियाज की एक्नर सेल में पाया जाता है एक्नर सेल से सीक्रेट होता है और जो एंजियोटेंशन होता है यह रेनिन एंजियोटेंशन सिस्टम का पार्ट होता है जो बेसो कंस्ट्रक्शन करके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है तो ऑप्शन ए बी और डी ये तीनों गेस्ट्रो इंटेस्टनल सिस्टम से सीक्रेट होने वाले एंजाइम हैं और जो रेनिन है ऑप्शन सी इसका जीआईटी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट है इन इफेक्टुअल स्ट्रेनिंग एट स्टूल इज नॉन एज जो स्टूल के लिए इन इफेक्टुअल स्ट्रेनिंग फोर्ट जो लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं ऑप्शन ए बोर्वोगी ऑप्शन बी कॉन्स्टिपेशन ऑप्शन सी टेंसमस और ऑप्शन डी स्टीटोरिया देखिए जो स्टिटोरिया की कंडीशन होती है इसमें क्या होता है कि जो फैट का स्टूल के साथ एक्सक्रीट होने की कंडीशन को, को स्टिटोरिया कहते हैं और यह है मल ऑब्जर्बसन सिंड्रोम में देखने को मिलती है बोर्वोगी क्या होता है इसमें गार्गलिंग जो साउंड होते हैं वह हाइपर एक्टिव हो जाते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन पर सुनने को मिलते हैं और जो कॉन्स्टिपेशन होता है इसमें बाउल बाउल मूवमेंट जो होते हैं वह कम हो जाते हैं और स्टूल पास करने में डिफ़िकल्टी होती है उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं और इनफेक्चुअल स्ट्रेनिंग इफोर्ट जो स्टूल और यूरिन पास करने के लिए जो लगाया जाता है उसको टेंसमस कहते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट है वेन ए पर्सन ईट्स ग्लूकोज द प्रोसेस दैट डज नॉट टेक प्लेस इज जब कोई व्यक्ति ग्लूकोज ईट करता है तो इनमें से कौन सी प्रोसेस उसमें नहीं होती है ऑप्शन ए इनगेशन ऑप्शन बी डाइजेशन ऑप्शन सी ऑब्जर्प्सन और ऑप्शन डी असिमलेशन देखिए इन्गेशन क्या होता है जिसमें फूड और लिक्विड को मुंह में लेने की कंडीशन को इनगेशन कहते हैं डाइजेशन क्या होता है जो आपने खाना खाया और उसको केमिकल और मैकेनिकल रिएक्शन के द्वारा स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ने की कंडीशन को डाइजेशन कहते हैं ऑब्जर्प्सन क्या होता है जो भी खाया पिया डाइजेस्ट हुआ उसको ऑब्जर्व होकर ब्लड में पहुंचने की कंडीशन को ऑब्जर्वेशन कहते हैं एसिमिलेशन क्या होता है यह मूवमेंट होता है डाइजेस्टेड फूड का लिविंग टिश्यू में उसको एसिमिलेशन कहते हैं यह ऑब्जर्वेशन है के बाद की प्रोसेस होती है एसिमिलेशन अब जो इसमें पूछा गया है कि जो व्यक्ति ग्लूकोज लेता है तो इनमें से कौन सी प्रोसेस उसमें नहीं होती है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वह ग्लूकोज ईट करने वाले में नहीं होती है क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वह इंड प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का क्योंकि जो ग्लूकोज खुद एक सिंपल शुगर और मोनोसैक्राइड होता है जो इंड प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का होता है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ एयर एब्डोमिन कैविटी कॉल्ड अबडोमिन कैविटी में एयर का कलेक्शन होने की कंडीशन को क्या कहते हैं ऑप्शन ए न्यूमोथोरेक्स, ऑप्शन बी न्यूमोपेरिटोनियम ऑप्शन सी असाइटिस और ऑप्शन डी नॉन देखिए जो न्यूमोथरिक्स होता है यह एयर का कलेक्शन थोरोसिक कैविटी में होने की कंडीशन को न्यूमोथोरेक्स कहते हैं और न्यूमोपेरिटोनियम क्या होता है कलेक्शन ऑफ एयर इन एबडोमिन कैविटी यह न्यूमोबरिटोनियम कहलाता है और असाइटिस क्या होता है इसमें फ्लूड का कलेक्शन कैविटी में होने की कंडीशन को कहते हैं और इसमें जो पूछा गया है एयर का कलेक्शन एबडोम कैविटी में होने को न्यूमोबरिटोनियम कहते हैं तो ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑप्शन बीस में राइट आंसर है खुश रहो स्वस्थ रहो अच्छे से पढ़ते रहो धन्यवाद जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना